नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज चैनल में कीर्ति कुमावत। क्या दिवाली के बाद भारत में कोरोना थर्ड वेव आएगी, जानिए वायरोलॉजिस्ट की राय। मार्च और अप्रैल को कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश लगभग सहम गया था। अब जब धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा आदि त्योहार आने वाले हैं, तब ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि देश में कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने से लिखित सहमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन वही वायरोलॉजिस्ट की इस बारे में राय अलग है। नेशनल वेक्टर बोन डिजिटल कंट्रोल प्रोग्राम के सलाहकार वायरोलॉजिस्ट अक्षय धारीवाल ने कहा कि त्योहारों के दौरान भी लोगों को कोरोना के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल गया है। अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए त्यौहार के दौरान भीड़ न जुटाए। घर से बाहर निकले तो मास्क हर वक्त लगाए रखें। ऐसा देखा जा रहा है कि अब कई लोग मास्क को लेकर काफ़ी लापरवाह दिखते हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है कि कोरोना से बचाव के तरीके पूरी तरह से छोड़कर पहले की तरह रहे। अब कोरोना के बाद जिस तरह न्यू नॉर्मल का माहौल बना है, उस तरह अपने व्यवहार को ढालें। वायरोलॉजिस्ट अक्षय धारीवाल ने थर्ड वेव आने की संभावनाओं को लेकर कहा कि अब भारत में किसी थर्ड वेव आने का कोई भी खतरा नहीं है। भले ही कोरोना के मामले आते रहेंगे, पर दूसरी लहर की तरह कोरोना का कहर भारत में नहीं होगा। इसके पीछे वो वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी को खास वजह मानते हैं। धारीवाल ने कहा कि अब तक आए सीरो सर्वे में भी यह बात सामने आई है कि देश की बड़ी प्रतिशत में हुई इम्यूनिटी आ चुकी है। देश में 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके अलावा बच्चों को लेकर चिंता न करने की बात पहले से ही एक्सपर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर धारीवाल का कहना है कि कोरोना थर्ड वेव का ऐसा कोई खतरा अब नहीं है। पेरेंट्स निडर होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि त्यौहार के बाद हालात बिगड़ने की उम्मीद न के बराबर है, इसलिए पेरेंट्स त्यौहार के बाद अपनी कंसेंट दे सकते हैं। डॉक्टर लहारिया कहते हैं कि बच्चों में पहले भी कम गंभीर बीमारी हुई थी, बच्चों में इन्फेक्शन हो भी सकता है, वैसे भी संख्या कम रहेगी, इसलिए बच्चों के स्कूल ज़रूर खुलने चाहिए। इसको लेकर माता पिता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क, स्वीडन आदि देशों ने स्कूल बंद नहीं किए थे, यहाँ तक कि अब US में भी लोग बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। इसी तरह से आपको खबरें मिलती रहेंगी। आप देखते रहिए AI न्यूज़ चैनल।